हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम केमिस्ट्री चैनल। हाउ आर यू ऑल? एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन द सिलेबस। इन द सिलेबस वी हैव डन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। वी डिड दिस, ओके? डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, होल पार्ट इज डन। सम फ्यू थिंग्स आर पेंडिंग, लाइक नेचर ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो दीज थिंग्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs एंड फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स वाई आई लेफ्ट दैट थिंग्स। ठीक है, तो वो हमने छोड़ दी हैं। तो हमने ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वो कवर अप कर लिया है। और अगर आपने ये वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपने ये चीज़ देख ली होगी कि मैंने हर एक टॉपिक जब भी वहां पे खत्म होता था, सपोज मोलैरिटी खत्म हुई तो मोलैरिटी के हमने 5-6 न्यूमेरिकल्स किए, नॉर्मैलिटी खत्म हुए उसके न्यूमेरिकल्स किए, मोल कंसेप्ट किया तो हर तीन वे थे जैसे, तो तीनों वेज के हमने 6-6, 7-7 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। मीन्स एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक इन द चैप्टर आई विल प्रोवाइड यू MCQs एज वेल एज न्यूमेरिकल, सो दैट वो कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से पकड़ पकड़ ले आपका माइंड वो सारी चीजें। ठीक है, फिर आप भूलोगे नहीं और प्रैक्टिस आपने खुद करनी है सो दैट यू कैन गेट मास्टरी ओवर दैट कंसेप्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई चैप्टर 1 के रिगार्डिंग। तो जो चैप्टर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है दैट इज स्टाइकोमेट्रिक एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूमेरिकल्स या जितना भी पेपर है MCQs का वो इसी पोर्शन से सेट होता है। ठीक है, एक चीज हमारी पेंडिंग है यहाँ पे, दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो रेस्ट ऑल पार्ट इज कवर्ड। तो चलिए जी शुरू करते हैं स्टाइकोमेट्रिक एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो वहां काम करने से पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, वट इज केमिकल रिएक्शन? बताइए वट इज केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का सुनते ही माइंड में आता है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आंसर देना है तो वो होगा कि अगर हमारे पास कोई भी पुराने बॉन्ड टूट जाए एंड नए बॉन्ड हमारे पास बनते हैं देन इट इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव ए मॉलिक्यूल एंड बी बी मॉलिक्यूल, सपोज ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं एंड वी आर गेटिंग ए बी। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। हुआ क्या, इन दिस बॉन्ड बिटवीन ए एंड ए एंड बॉन्ड बिटवीन बी एंड बी, ठीक है, क्या हुआ, ब्रेक कर गया एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, जिसमें पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड्स की क्या हो गई, फॉर्मेशन। ठीक है, सेम एग्जाम्पल लाइक एच टू लिया एंड सी एल टू लिया, पुराने बॉन्ड टूट गए एंड वी आर गेटिंग फॉर्म अ न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एच एंड सी एल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, अब दो रिएक्शंस मैंने यहां पे लिख ली। तो एक चीज आपने देखी यहां पे कि हैव वी फॉलोड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हेयर, क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स है जो वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने एक एटम थे, 2, यहाँ बी कितने थे, 2, क्या यहाँ पे 2A या 2B हैं, नहीं है, क्रॉस कर दो। यहां 2 हाइड्रोजन थे, यहां 2 Cl थे, क्या यहाँ पे 2 Cl और 2 हाइड्रोजन है, नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एक लगाया हुआ है। इट मीन्स जो ये वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी हैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो मैंने फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, जो ये बता रहा था कि मास तो इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, इस चीज का अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिख लेती हूँ तो इसका मतलब मैंने तो बड़ा ब्लंडर कर दिया, क्योंकि जितनी भी केमिस्ट्री की बेसिक थिंग्स थी मैंने तो वो सारी हिला दी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो करना ही पड़ेगा हमें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने इसको फॉलो नहीं किया। तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस इश्यू, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, क्या करना पड़ेगा,
वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे टू लगा दूं, यहाँ पे टू लगा दूं, तो बैलेंस कर दिया मैंने रिएक्शन को, तब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि ये दोनों साइड पे मास बराबर आ जाए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करे। ठीक है, दोबारा देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, जैसे इन दिस फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन मैंने ये तो रिएक्शन तो लिख दी, बट डिड आई फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नो। वाई? बिकॉज यहाँ पे दो ए हैं, यहाँ पे दो बी थे, यहाँ दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे दो सी एल थे, पर यहाँ तो एक एक ही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने फॉलो नहीं किया। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, बैलेंस क्यों किया रिएक्शंस को हमने? सो दैट ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। तो इट मींस कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, एग्जाम में दे दिया जाता है या मैडम बोल देती है कि ये बैलेंस करो इसको रिएक्शंस को, तो बैलेंस करना क्यों है, ऐसे ही क्यों नहीं लिख दिया? बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि इसके बिना तो आप केमिस्ट्री की सारी ही जो है जो मतलब लगा लो रिएक्शंस की पावर है वो सारी ही आप उसको उल्टा कर रहे हो, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा मास को। ठीक है, तो ये तो मस्ट चीज है केमिस्ट्री में, दैट्स व्हाई आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। सी फर्स्ट रिएक्शन, सी एच फोर दिया है जी, यहाँ पे ओ टू दिया है, सी ओ टू प्लस वाटर मैंने बना दिया, बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। क्यों बैलेंस नहीं है? यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आए हुए हैं, दो प्लस एक तीन आ गए हैं, यहाँ हाइड्रोजन चार थे, यहाँ पे दो ही हैं, पर अब मैंने इसको बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ पे टू ओ टू लिख दूं तो मेरा काम चल जाएगा, यहाँ पे टू एच टू ओ आ जाएगा। अब चेक करिए, कार्बन एक था, यहाँ पे भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे चार थे, यहाँ पे चार थे, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, चार, यहाँ पे भी हमारे पास चार हो गए, तो इट मीन दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इन द सेम वे मैंने एक रिएक्शन और लिखी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया दे रही है, बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है, कितने हैं तीन, पर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो, तो ये भी रॉन्ग है। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए मैंने तीन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसको और यहाँ पे दो लिख दिया, तो यहाँ पे अब रिएक्शन बैलेंस है। अब इसको बैलेंस करके देखो, H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिख लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और वाटर के H यहाँ पे इतने हैं, टोटल H कितने हो गए हमारे पास, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ पे एक ही था, अब इसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया, टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। तो जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशियंट। क्या बोलते हैं? स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशियंट। जो नंबर हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, दैट केमिकल रिएक्शन कॉफिशियंट्स आर नोन एज स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशियंट। ठीक है जी, चलिए स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशियंट्स। अब देखो, जो स्टाइकोमेट्रिक टर्म है वो आई कहां से? इट इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से इसको लिया गया। स्टाइकियोन जिसको बोलते हैं एलिमेंट, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का मेजर जो हमें बताता है, दैट इज नोन एज स्टाइकोमेट्री, राइट? इट डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मास, समटाइम्स वॉल्यूम आल्सो, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। अब स्टाइकोमेट्री करती क्या है? ये हमें बताती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी इन्वॉल्व है एक केमिकल रिएक्शन में, उनके मास की कैलकुलेशन ये करती है। क्या करती है? मास की कैलकुलेशन, और कई बार वॉल्यूम भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि मास और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है थोड़ा बहुत। चलिए जी, तो ये नंबर जो मैंने लिखे थे वो क्या थे? कॉफिशियंट। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशियंट। और ये क्या बताते हैं हमें, ये नंबर क्यों लिखे?
ये नंबर हमने लिखे टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस क्यों की हमने केमिकल रिएक्शन, सो दैट इट कैन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है जी, तो इट मींस कि ये होगी हमारे पास पूरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल समझो, घर में अगर आप मान लो कि राइस बना रहे हो, ठीक है, तो जिसको नहीं आते राइस बनाने वो सीखने बैठ गया आपसे कि हाँ जी हमने राइस बनाने हैं, हम क्या क्या डालें, तो आप बताओगे कि ठीक है जी एक कटोरी आप चावल ले लीजिए, उसमें 1 स्पून आपने क्या करना है, ठीक है, नमक डाल दो, 1/2 स्पून आप डाल दो लाल मिर्च डाल दो, ठीक है, क्यूमिन डाल दो, मतलब जो जो इंग्रेडिएंट है वो आपने क्वांटिटी बता दी उसकी कि ऐसे ऐसे करके आपको नमकीन जो है आपके पास चावल बन जाएंगे, ठीक है, राइस बन जाएंगे। तो सेम वे में जब मैंने इसके नंबर लिख दिए यहाँ पे, तो एक मीथेन है, 2 O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 CO2 निकलेगा एंड 2 वाटर निकलेगा। इट मींस इट टेल अस कि हाउ केमिकल रिएक्शन इज फॉर्म्ड, उसकी रेसिपी क्या है, केमिकल रिएक्शन की रेसिपी क्या है, कैसे कैसे वो बन रही है। जैसे चावल में आपने 1 चम्मच नमक डाला, 1 कटोरी चावल डाले, तो कितनी कितनी क्वांटिटी डाली थी कि आपके पास चावल बन के रेडी हो गए। सेम वे में कितने कितने नंबर मैंने यहाँ पे डाले इन सभी चीजों के कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन बन के तैयार हो जाए, ये केमिकल रिएक्शन की रेसिपी बताते हैं हमें। ठीक है, तो दिस इज नोन एज स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब देखो, देखिए N2+H2 इज इक्वल टू अमोनिया, ये अमोनिया देती है हमें, पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पे 3 लिख दिया और यहां पे 2 लिख दिया। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब देखिए, अब हमने करना क्या है, देखो यहां पे 1 लिखा हुआ है, यहां पे 3 लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखना आपने आपने क्या करना है, 1 है तो 1 मोल, इट मींस कि 1 मोल है जो हमारे पास नाइट्रोजन का, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कितने देगा, 2 आगे लगा है तो कितने लिख दोगे, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 जितने नंबर लिखे हैं उतने मोल लिख दिए, यहां पे 2 लिखा है तो 2 मोल लिख दिए। क्लियर। अब देखो, स्टाइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में, मॉलिक्यूल्स की टर्म में। देखो 1 मोल मैंने लिख लिया नाइट्रोजन का, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगेड्रो नंबर, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। और ये आप बहुत अच्छे से कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपने किया हुआ है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स, Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल था तो मैंने क्या लिख लिया, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे 3 मोल थे तो क्या बनेगा, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 मोल था तो कितने हो जाएंगे, 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उसको आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा, सो आप पिछली वीडियोस पहले देखें, सो दैट ऑल द कंसेप्ट विल बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, तभी आपके पास ये टॉपिक सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए, स्टाइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मास, 1 मोल नाइट्रोजन है तो ये किसके बराबर होगा, 1 मोल किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के। ठीक है, एटॉमिक मास के, तो 1 मोल नाइट्रोजन का कितने बराबर हो गया, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि 1 ही मोल था उसके एटॉमिक मास के बराबर आ गया। अब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 का वेट कितना है, 2, ठीक है, और 3 मोल दिए हुए हैं तो कितने आ गए, 6 ग्राम। 2 मोल अमोनिया का दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ अमोनिया किसके बराबर होता है, 17 ग्राम में। ठीक है, अमोनिया का कितना होता है एटॉमिक मास, 17, और 2 मोल का कितना होगा, 34 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल को हमेशा अपने बराबर रखना है उसके एटॉमिक मास से, और बाकी जितने भी मोल आपने कॉफिशेंट लगाए हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर लिखना हो तो 1 मोल किसके बराबर मैंने और लिखवाया था, बताओ किसके बराबर था वॉल्यूम में, 22.4 लीटर। 1 मोल किसके बराबर आ गया, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होंगे, 3 × 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल अमोनिया के किसके बराबर होंगे, 2 ×
2 × 22.4 liters of ammonia. So this is all basic things about the stoichiometry. ठीक है, तो एक example और लेते हैं, मैं आपको detail में कराऊंगी. आपने करना क्या है, सिर्फ coefficients लिख के सबसे पहले reaction को balance करना है. Balance करने के बाद जितने coefficient दिए गए हैं, जैसे 1 है तो इसके साथ mole लिख दो, 3 है तो 3 mole लिख दिए, और यहाँ पे 2 था तो 2 mole of ammonia. Mole जब लिखे गए तो उसके बाद quantity आराम से निकाल लोगे, number of particles, उसके बाद उसका mass निकाल लोगे, उसके बाद उसका volume निकाल लोगे. क्योंकि अब तक तो ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि 3 लेक्चर हमने यही काम किया है, मोल को घसीटा है पकड़ पकड़ के. ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से मैंने 3 अलग अलग तरीके से आपको, ठीक है, बुक्स में बड़ा कंफ्यूजन वाला काम था, मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया, बड़े अलग तरीके से आपको करवाने की कोशिश की है कि 3 तरीके अलग अलग मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं, और हर एक का आपको मैंने न्यूमेरिकल भी करवा के दिखाया. तो दिस इज द बेसिक थिंग. चलिए अब अगली एग्जाम्पल देखिए. आप CH4 प्लस O2 CO2 प्लस वाटर. ठीक है, अब देखिए इसको आप कर लो बैलेंस. बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पे 2 लगा दिया, यहां पे भी 2 लगा दिया, तो अब चेक करोगे सारी रिएक्शन बैलेंस है. देखिए सबसे पहले, ठीक है, दोबारा समझो, 1 लिखा है, एक मॉलिक्यूल किसका है, CH4 का, 2 मॉलिक्यूल मैंने किसके लिए, ऑक्सीजन के, ये दे रहे हैं हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, एक मॉलिक्यूल CH4 का, 2 मॉलिक्यूल कितने हैं O2 के, 1 मॉलिक्यूल CO2 का, और 2 मॉलिक्यूल कितने हैं वाटर के. सबसे पहले मॉलिक्यूल लिख लो, इजी रहेगा आपके पास. तो ये तो एक एक मॉलिक्यूल था. इफ आई टॉक अबाउट Na पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि मोल का काम तो हमारा Na के साथ ही चलना है, तो एक एक मॉलिक्यूल का हमने जितने थे कॉफिशियंट उसके आगे मॉलिक्यूल लिख दिए सबसे पहले. अब देखो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ठीक है, Na को मल्टीप्लाई कर दो यहां से, यहां Na को किया तो 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 देंगे, यहां पे Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड यहां पे 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. आई सिंपली मल्टीप्लाई ऑल विद Na, तो मेरे पास आ गया ये. ठीक है, अब Na मॉलिक्यूल किसके बराबर होंगे बताओ, 1 मोल किसके बराबर होता है, Na पार्टिकल्स के. तो जहां पे Na लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूं 1 मोल? हां जी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है Na पार्टिकल्स के. ठीक है, तो यहां आ गया 1 मोल ऑफ CH4, यहां 2Na था तो क्या लिखेंगे, 2 मोल ऑक्सीजन के. यहां देखो यहां पे Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ CO2, और यहां पे 2Na था तो 2 मोल ऑफ वाटर. क्लियर? अब कैन आई राइट 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स ऑफ CH4, ऐसा लिख सकती हूं मैं? हां जी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि 1 मोल इसके बराबर ही तो होता है, हमें पता है इसको. ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ Na एवोगाड्रो नंबर. तो 1 मोल किसके बराबर आ गया इसके, 2 मोल किसके बराबर आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, 1 मोल यहां पे सेम चीज और 2 मोल का मल्टीप्लाई कर दिया. अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आ जाओ, ये लिख दिया मैंने मोल की टर्म में, ये लिख दिया पार्टिकल्स की टर्म में, ये लिख दिया मैंने वॉल्यूम की टर्म में. वॉल्यूम देखिए, एक मोल किसके बराबर है 22.4 लीटर के, 2 मोल किसके बराबर होंगे 44.8 लीटर के, यहां पे भी 1 मोल है, यहां पे भी 1 मोल है. तो कोई भी रिएक्शन आपको दे दी जाए, ऐसी रिएक्शन दी होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, बैलेंस करना है. बैलेंस करने के बाद आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स लिख लेने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लेने हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम लिख लेना है. ठीक है, तो कोई एक आधी चीज का कुछ भी पूछ लेगा कि उसमें से बता दो जी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, या उसमें कितने नंबर ऑफ जो है हमारे पास वॉल्यूम है जो उस टाइम प्रेजेंट है, तो आपने आंसर निकाल देना है. ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ आपको, फिर और अच्छे से क्लियर होगा. सी
When 56 gram of nitrogen reacts with 12 gram of hydrogen, then find out the mass of ammonia. Its volume at STP. अच्छा, क्या क्या find out करना है? Mass of ammonia, volume and total number of atoms present in the product. ये तीनों निकालने हैं. सिर्फ इसने ये बताया कि जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया दे रहा है. तो हम भी रिएक्शन लिख लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया. पर क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नो, दिस इज नॉट बैलेंस्ड. सो बैलेंस इट, बैलेंस की तो हमारे पास क्या रिएक्शन आई है, एन टू प्लस थ्री एच टू, तो बन गया टू अमोनिया. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बैलेंस रिएक्शन. तो अब देखिए दिया क्या क्या है हमारे पास. 56 ग्राम इसके दिए गए हैं, हाइड्रोजन के 12 ग्राम दिए गए हैं, इसका कुछ नहीं दिया. तो अब अगर हमें मास दे दिया तो हमारा तो काम बन गया. क्यों बन गया, चलाओ दिमाग अपना. गिवन मास दे दिया तो क्या मोल के साथ रिलेटेड है ये? हाँ जी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो 56 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कितना वेट होता है, 28. तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2. यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 आ गए. अब देखिए जब हमारे पास ये 1 था, ये 3 मोल थे, तो ये मेरे को कितना दे रहा था, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है. इसका 1 मोल नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन के मेरे पास 3 मोल थे, तो अमोनिया के मेरे पास कितने मोल थे उस टाइम, 2 मोल. जब मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे क्या आ सकता है, 2 मोल नाइट्रोजन के, 6 मोल हाइड्रोजन के, तो मेरे पास बन कितने रहे हैं, 4 मोल किसके, अमोनिया के. आ गया ये हमारे पास. और ये कैसे आया, क्योंकि हमें ये गिवन था कि हमारे पास, ये तो हमने नॉर्मल जैसे हम स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं कि बैलेंस इसके देखिए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट देखने के बाद हमने इसका 1 मोल 3 मोल 2 मोल अपने आप से लिख लिया, क्योंकि हमें पता है हम ऐसे ही करते हैं फर्स्ट स्टेप. ठीक है, फिर लिख लेते हैं इसमें एन ए पार्टिकल है, इसमें 3 एन ए पार्टिकल्स हैं, इसमें 2 एन ए पार्टिकल्स हैं. बट इसमें हमें मास भी गिवन दे दिया. अगर मास गिवन दिया था तो हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, तो हमें पता चला कि इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सारी इक्वेशन को, तो यहां तो 4 मोल आएंगे ना फिर. ठीक है, तो अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, फिर दिमाग लगाओ. इट इज नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. तो वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर के साथ. ठीक है, तो 4 से जब मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया, 89.6 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी. चलिए जी, अब है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट. एटम निकालने हैं हमने, क्या निकालने हैं एटम. देखो अमोनिया है, अमोनिया के नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप निकालो, 4 मोल की बात कर रहे हो आप. ठीक है, 4 मोल में, ठीक है, कितने पार्टिकल्स होंगे, 4 × 10⁻²³, इतने हमारे पास इसमें एटम्स हो गए. ठीक है, सॉरी इसमें मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है, कितने हो गए मॉलिक्यूल्स, 4 मोल थे तो 1 मोल कितने बराबर है इसके, तो 4 मोल इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएंगे. ये न्यूमेरिकल हमने पिछले जो स्लाइड्स थी उसमें, पिछली वीडियोस में बहुत न्यूमेरिकल्स किए हैं इसके, कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएं, पार्टिकल्स डाल दो इसमें, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास आ गए. अब हमने निकालने हैं एटम, बात कर रहे हैं हम अमोनिया की, तो कितने एटम है इसमें, 1, 3 कितने इसके, टोटल कितने हो गए, 4. तो अगर मैं इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दूं, 4 × 4 × Na, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एटम. तो ये आ जाएगा हमारे पास एटम. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कि आपने करना क्या है, बेसिकली आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है. केमिकल रिएक्शन के बाद आपने क्या करना है,
दोबारा देखो स्लाइड, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर Na के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया। उसके बाद देखो Na को तो हम 1 मोल भी लिख सकते हैं, बेसिकली मोल की फॉर्म में लेके आनी है आपने सारे कॉफिशेंट्स को। यहाँ पे 2 मोल हो गए, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल। मोल हमारे पास इतने पार्टिकल्स के बराबर भी होता है, यहाँ 2 × Na पार्टिकल्स हो गया, यहाँ Na पार्टिकल, यहाँ 2 × Na पार्टिकल्स। वॉल्यूम किसके बराबर है, 1 मोल 22.4 लीटर्स के बराबर है। तो इस वे में आपने इसको लिख लेना है और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपने इसका आंसर दे देना है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो एक चीज जो बची है दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो वो क्या होती है कि मैटर है जो वो बना हुआ है हमारा इंडिविजिबल एटम से। किससे? इंडिविजिबल एटम से, कि उसको आप किसी और चीज में तोड़ नहीं सकते। एटम सबसे छोटी चीज है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये बोला। सेकंड चीज वो कह रहा था कि अगर आप एक एटम ले लो, ठीक है, सॉरी एक एलिमेंट ले लो, मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन आपने ले लिया, इसके फर्दर जितने भी आपके पास पार्टिकल्स आएंगे उन सभी की प्रॉपर्टीज भी सेम है और उनका मास भी सेम है। कैसे? ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मास। बट अगर आप डिफरेंट एटम लोगे, डिफरेंट एलिमेंट्स ले रही हो, तो उनका मास भी डिफरेंट करेगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। थर्ड देखिए, कहते कंपाउंड हमारे पास तभी बनता है जब हमारे पास दो एटम हैं जो वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करें। किसका मतलब कि अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैं ले रही हूं, वेन एवर हाइड्रोजन 2 की रेशियो में और ऑक्सीजन 1 की रेशियो में कंबाइन करता है तभी हमारे पास वाटर बनता है। मीन्स कंपाउंड तब बनेंगे जब दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे एक रेशियो में, फिक्स रेशियो में, तभी हमारे पास वो कंपाउंड बनेगा। फोर्थ इसका जो पॉइंट था कि एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और एक पॉइंट जो आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसने सभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो किया। इट रिलेट्स विद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हमने 5 लॉ पीछे पढ़े हैं। तो एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि ये इसके साथ फॉलो करती है या नहीं करती। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1, राइट। तो इसको सॉल्व करिए, कॉपी पे लिखिए, न्यूमेरिकल करके देखिए, डरना नहीं है न्यूमेरिकल से। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही चीजें माइंड में सेट होंगी आपके और डेफिनेटली यू कैन स्कोर बेटर, राइट। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में आपके लिए, के लिए अच्छा अच्छा मैटर निकालने के लिए, बड़ी सारी बुक्स में से न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक्स निकालने के लिए, ठीक है। तो प्लीज लाइक कर दीजिए सो दैट इसको देख के, आपके कमेंट्स को पढ़ के कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैं और मोटिवेटेड हो जाती हूँ। एंड आई विल प्रॉमिस यू कि इस बार के पेपर में जितने भी केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं वहाँ आप चुटकियों में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आपको केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लगेगी, राइट। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।